तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाऊंगा जो मुझे धमकी मिली थी, जो मेरे पर प्रूफ पड़े हैं। एंड उसके अलावा काफ़ी सारे बंदे बोल रहे थे कि डाकू बोल रहा है मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। तो मैं आपको सारे प्रूफ्स दिखाऊंगा जिसमें मेरे पास सारे प्रूफ है डाकू ने ही मुझे धमकी दी थी। एंड फिर उसे बात बताता हूँ क्या हुई थी। तो एक हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने पॉपुलैरिटी के ऊपर मतलब स्कैम वगैरह चल रहा था मेरे हिसाब से, मैंने उसको क्लियर किया था कि ये मुझे गलत लग रहा है ना। तो मैंने इतनी सी बात बोली कि मुझे गलत लग रहा है, और मैं इससे बात करने के लिए काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के पास जाता है जो उसको जानते थे, जैसे क्रिएटिव पवन ने उसकी प्रमोशन की थी डाकू की। तो क्रिएटिव पवन के पास गया या नहीं गया मुझे नहीं पता, बट डाकू गया पहले क्रिएटिव पवन के मैनेजर के पास जो कि समीर के पास गया। तो समीर को उसने बात बोली कि पारस से मुझे बात करनी है, जो मुझे सुनने में आया। उसके बाद समीर प्रदीप के पास गया, ठीक है, और प्रदीप मेरे पास आया। मैं आपको शुरू से सारी बात बता रहा हूँ। प्रदीप ने मुझे बोला कि पारस भाई आपसे डाकू बात करना चाहता है। तो मैंने प्रदीप से पहली बात ये पूछी कि तू डाकू को कैसे जानता है ना। तो उसने बोला कि मैं डाकू को नहीं जानता, मैं समीर को जानता हूँ, समीर क्रिएटिव पवन का मैनेजर है। समीर मेरे पास आया और उसने बोला कि डाकू से बात करवा दे, पारस को तू जानता है। प्रदीप को उसने ऐसा बोला कि डाकू को तू जानता है, पारस को तू जानता है, डाकू ने उससे कुछ बात करनी है। तो मैंने प्रदीप को सीधा बोला, प्रदीप भाई मैं किसी से बात करना नहीं चाहता, मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे बात बढ़े, ठीक है, मेरे को डाकू से कोई लेना देना नहीं है, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। उसके बाद डाकू ने प्रदीप से मेरा नंबर मांगा। प्रदीप मेरे को पूछा कि भाई मैं तेरा नंबर डाकू को दे दूं। मैंने बोला नहीं प्रदीप भाई, मेरा नंबर किसी को मत देना, है ना। उसके बाद मैंने फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद प्रदीप ने मुझे बोला कि चलो मैंने उसको नंबर नहीं दिया, आप अपना ध्यान रखना, ठीक है, और कोई भी ज़रूरत होगी तो मुझे मैसेज या कॉल कर देना, प्रदीप भाई ने मुझे ऐसे बोला। उसके बाद क्या हुआ कि 3-4 घंटे बाद मुझे डाकू की कॉल आती है। एंड पहले वो मुझे फ़ोन करके सीधा धमकी देने लग गया था कि तुझे घर से उठवा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, जिसकी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। मैंने सबसे बड़ी गलती ये कर दी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि चलो ऐसे ही कॉल पे कोई धमकी दे रहा है ना, उससे कौन सा कुछ हो जाएगा, तो मैंने हल्के में लिया। एंड उसके बाद उसने मुझे वीडियो बना के गालियाँ निकाली, जो वीडियो उसने डिलीट कर दी। अगर वो बंदा गलत नहीं है तो वीडियो डिलीट क्यों कर रहा है। अब आपको मैं कुछ प्रूफ्स दिखाता हूँ जिसमें आपको साफ साफ नज़र आएगा कि डाकू मुझे मारने की धमकी दे रहा था। सबसे पहला प्रूफ तो यही है, डाकू ने 3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, उसके कमेंट में उसने ये कमेंट पिन किया था, ठीक है, जो पारस के पालतू कुत्ते जिसको गलत सही नहीं दिखता यहाँ पे आ रहे हैं, कुत्तों तुम्हारा मालिक जो है ना वो खुद माफ़ी मांगेगा अपनी लाइफ बचाने के लिए। जस्ट फोन दिखाता हूँ जिस फोन पे मेरी उससे बात हुई थी, जो नकली नंबर से वो कॉल वगैरह कर रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पे जो अटैक हुआ है वो 11 तारीख को हुआ है। एंड फ़ोन देखो संडे को आए मेरे को धमकाने के लिए, पहले ये संडे को तो मैंने उनका कोई भी फ़ोन नहीं उठाया, देखो सारे फेक नंबर है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो लाइफ लाइन करके है ये मेरी मम्मी का नंबर है, ये फारूक मिस्त्री जो घर पे काम करता है, और ये डायरी का नंबर है जहाँ से दूध वगैरह आता है। तो ये मेरा पर्सनल नंबर था, ये किसी के पास भी नहीं था। और यहाँ पर देखो संडे से पहले फ्राइडे मतलब कि 8 तारीख को मुझे धमकी मिली थी जिसमें उसने मुझे डराने की कोशिश की थी। एंड इसी वाली क्लिप, ये वाली जो नंबर है, ये मैंने कोई भी फ़ोन नहीं उठाया इससे पहले, ये वाला नंबर उठाया ना मैंने, ये देखो हिस्ट्री पे चलता हूँ, 6 मिनट तक मेरी डाकू से बात हुई। एंड इसने फ़ोन उठाते बोला कि मैं डाकू बोल रहा हूँ, डाकू विलन, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो फ्राइडे को बात हुई, 8 तारीख को इसने मुझे धमकी दी और 11 तारीख को मेरे साथ ये हादसा हुआ। दूसरा प्रूफ तो ये हो गया। अब आप सोचोगे कि भाई पारस भाई झूठ भी तो बोल सकते कि डाकू ने ही फ़ोन किया था या फिर किसी और ने भी किया होगा, है ना। अब मैं आपको और प्रूफ दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है गौरव स्पॉन्सर, ये गौरव प्लेस बाई टी है जिनके 40,000 सब्सक्राइबर हैं। तो इन्होंने मुझे मैसेज किया था पारस भाई स्पॉन्सर करनी है, काफ़ी दिनों से ये बोल रहे थे। तो मैंने इनको मैसेज किया, भाई न्यू जोकर वाली क्रेट आई है, मैं तुम्हारा स्पॉन्सर कर देता हूँ, ठीक है। इन्होंने बोला हाँ जी कर दो, वीडियो कितने बजे अपलोड होगी, और पूछा, ठीक है मेरे से। उसके बाद मैंने इनको यहाँ पर साफ साफ लिखा, देख लो 8 तारीख की चैट है, 8 अप्रैल मैंने लिखा डाकू विलन का कॉल आया था, एड्रेस मांग रहा था, कहंदा एड्रेस दे मिलना तन्नू, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया आपको, 8 तारीख को मैंने अपने दोस्तों को भी बोला, मैंने गौरव भाई को, प्रदीप भाई को, जोली को, टीरियन गेमिंग को, इनवोकर नाम का एक बंदा उसको, एंड जड जी,
जितने भी मेरे खास दोस्त हैं, सुनील को भी मैंने बोला था ये मुझे गालियां दे रहा है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, मैंने आपको प्रूफ देने की कोशिश की मैंने डाकू का नाम क्यों लिया। सबसे पहली मेन रीजन था उसका नाम लेने का, उसने मुझे कॉल करके धमकी दी। दूसरी बात, उसने अपने ही वीडियो के कमेंट में खुद के चैनल से कमेंट करके पिन किया कि ये अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा। मतलब ये मुझे